मैं आपको सांप्रदायिक भड़काव तो नहीं देना चाहता हूं, परंतु ये कहता हूं जो संस्कृति आपके पास है, जो सभ्यता आपके पास है, वो आपकी संतानों को बचाए रखो तो सुरक्षित रहेगी। और ये संतानें आपके हाथ से निकल गई तो थोड़े दिन हमारे घरों में ही मुसलमान पैदा होंगे और हमें घरों में ईसाई पैदा होंगे जो हिंदू संस्कृति के लिए घातक बन जाएंगे। जितने वो घातक नहीं है इतने हमारे घरों में पैदा हुए हुए घातक हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना है, पैसे तो कमाने ही कमाने, परंतु धर्म को पहले रखना है। आप देखो मुसलमानों से सीखो, वो धर्म को पहले रखते हैं फिर खुद को रखते हैं, वो पहले धर्म से काम करेंगे। मैं अभी बाहर जाके आया हूं मुस्लिम देश में, मैंने देखा वहां का सिस्टम, पहले धर्म, उसूल, ईमान और फिर खुद। और हम यहां धर्म को बाहर फेंक देते हैं, फिर हम हैं, फिर बाद में धर्म को लाएंगे, वो कभी भी नहीं हो सकता। पहले धर्म को रखो आप, जहां धर्म आगे होगा आपकी रक्षा होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे धर्म को निकालोगे ऐसे आप कुछ भी नहीं रहोगे। इसलिए पहले रखो धर्म को, पहले रखो गायत्री मंत्र को, पहले रखो गौ माता को, पहले रखो हमारी देवी देवताओं को, पहले रखो हमारी संस्कृति को, और फिर आप आगे बढ़ो तो आपको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। और इन सबको निकाल दोगे उस दिन दुनिया में आप रुके हुए हो ही। आज जगना पड़ेगा पूरे हिंदू समाज को, और सबसे बड़ी जो आशा लगती है कोई बचाएगा, कोई बचाने आएगा। आज भी हम विश्वास रखते हैं कि राजपूतों के घर से निकल के कोई आएगा, कोई आएगा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, तो इन राजपूतों के घर से ही कोई निकलेगा महापुरुष। ऐसी आज भी हमारी अभिलाषा है। ऐसे ही मोदी है, मोदी राजपूत परिवार से निकले हुए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राजपूत है। आज आशा की किरण जगी है कि यदि हिंदुस्तान को बचाना है, अब तो देखो पहले इसका नाम था आर्यावर्त, उसके बाद बना हिंदुस्तान, उसके बाद बना भारत, और अब क्या बन गया, इंडिया। कोई अर्थ नहीं है इसका। और थोड़े दिनों में ये बिल्कुल प्री प्लान होगा राम सिंह जी कि तीनों नामों का, जैसे वंदे मातरम का विरोध होता है कि कोई वंदे मातरम नहीं बोलना, ऐसे थोड़े दिनों में विरोध होगा कि कोई हिंदुस्तान नहीं कहेंगे भारत को, कोई भारत को भारत नहीं कहेंगे, ओनली फॉर इंडिया इसका नाम रखा जाएगा। तब क्या होगा हमारे देश का हाल, ये हो रहा है। इसलिए जगो मेरे सपूतों, राजपूतों, क्षत्रियों, और इन क्षत्राणियों से भी निवेदन करता हूं कि आपके घर के अंदर धर्म हो, आपकी कोख से पैदा होने वाला वो हीरो हो, जो वास्तव में हीरो हो, वो जीरो हीरो नहीं हो जो नंगे नाचते और वो आदर्श बने। महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास क्षत्राणियों की कोख से पैदा हुए। आज भी हम चाहते हैं ऐसे सूरमा, सूरवीर, संत सूर जो भी हैं आपकी कोख से ही पैदा होंगे। आप जिस दिन ऐसी संतानें देश को देने लग जाओगे, ऐसे समाज को संतानें देने लग जाओगे, तब हमारी चिंता दूर होगी। तब तक तो हम यही कहेंगे किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शासी, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन धारण करेगा। जिस दिन राजपूत के